नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा, हवाई सर्वेक्षण के जरिए देखेंगे जमीनी हाल, तो बहराइच में बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मुलाकात का कार्यक्रम प्रस्तावित। यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, बलिया में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर, बदमाश हरीश पासवान पर अलग अलग थानों में है 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू का कहर, अब तक 50 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। यूपी के मऊ में दर्दनाक हादसा, पानी से भरे गड्ढे में डूबकर 3 बच्चों की मौत, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शवों को लिया कब्जे में, कोपागंज थाना क्षेत्र के यूसुफ नगर गांव का मामला। यूपी के बिजनौर में रिश्तों का कत्ल, जमीन के मालिकाना हक के लिए 3 सगे भाइयों ने छोटे भाई को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने 3 हत्यारे भाइयों को किया गिरफ्तार। आज यूपी के कई जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। सीएम योगी का बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज का दौरा प्रस्तावित है। बाढ़ प्रभावित 5 जिलों का हवाई सर्वेक्षण वो करेंगे। सीएम योगी का बाढ़ राहत केंद्रों का निरीक्षण का कार्यक्रम भी है। बहराइच में बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। लखनऊ में कोरोना काल में उत्कृष्ट काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। नगर निगम के त्रिलोकनाथ हॉल में आयोजित कार्यक्रम में महापौर संयुक्ता भाटिया ने कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस मौके पर भाटिया ने कहा कि कोरोना काल में कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उत्कृष्ट कार्य किया था। इसका कारण है कि हम आप सेहत की दृष्टि से सुरक्षित हैं। यूपी के बलिया में एसटीएफ का बड़ा एक्शन, एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश हरीश पासवान को किया ढेर, अलग अलग थानों में 30 से ज्यादा मुकदमे थे हरीश पर। बलिया के रसड़ा गांव के पास हुई मुठभेड़। यूपी के गाजियाबाद में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। साहिबाबाद क्षेत्र में बदमाशों और पुलिस के बीच ताबड़तोड़ गोलियां चली। शातिर बदमाश आमिर से पुलिस का सामना हुआ। पुलिस की गोली लगने से आमिर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर के दुर्दांत अपराधी है आमिर, हत्या, लूट और अपहरण के कई मामले उस पर दर्ज हैं। घायल बदमाश का इलाज भी जारी है। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में साहिबाबाद पुलिस टीम, पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय की टीम के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान पल्सर सवार एक बदमाश उधर से गुजरा। जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो रुका नहीं, बल्कि और तेजी से मोटरसाइकिल भगा लिया। पुलिस टीम के द्वारा उसको घेरा गया। अपने को घिरा देख करके जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर उसने फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा जब उसको उस पर फायर किया गया तो उसके पैर में गोली लगी। पूछताछ में अपना नाम अमीर हुसैन, जो मूल रूप से संभल का रहने वाला है।
मऊ के कोपागंज थाना क्षेत्र स्थित यूसुफपुर गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 3 बच्चों के गहरे गड्ढे में डूबकर मृत्यु हो गई। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक पैर फिसलने के कारण बच्चे पानी के गड्ढे में गिर गए जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इधर मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए। फिलहाल पूरे मामले की जाँच पड़ताल जारी है। हाँ, ये यूसुफपुर थाना कोपागंज में लगभग सुबह 7:30 बजे 3 बच्चे सोचे गए थे। एक गड्ढे में पानी भरा हुआ था, उसमें फिसल के 3ों की मृत्यु हो गई। ये यूसुफपुर थाना कोपागंज के रहने वाले थे और इनकी उम्र लगभग 4 से 6 वर्ष की थी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता उमाकांत फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी, विस्तार से इस पूरे मामले को हमें बताएं। आपको बता दें कि कोपागंज थाना अंतर्गत यशुपुर गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक ही परिवार के 3 बच्चे, जो एक भाई का बच्चा था, 2 बहन के बच्चे थे, ये एक की उम्र 3 साल, दूसरे की 4 साल, तीसरे की 6 साल उम्र बताई जा रही थी, वो शौच करने के बहाने गए हुए थे। एक गड्ढा बना हुआ था, जो भट्ठा खुला हुआ था, भट्ठे के पानी इकट्ठा होने के कारण पैर फिसलने के कारण 3ों बच्चों की मौत हो गई। एक बच्चा चौथा जो देख रहा था दूर से, उस घटना को के बारे में जाकर के दूसरे व्यक्ति से बताया, जिसके द्वारा एक बच्चे को निकाला गया। और जैसे ही पता चला कि नहीं और 2 बच्चे हैं, तो थोड़ा जाकर के 2 बच्चों को निकाला गया और उस घटना को लेकर के पूरे चारों तरफ सनसनी फैल गई कि यह घटना किस तरह क्यों घटी। क्योंकि यह भी बताया जा रहा है कि उस गड्ढे में जो पानी इकट्ठा हो रहा था, भट्ठे का मिट्टी था, प्रशासन के द्वारा रोकने का भी काम किया जा रहा था, लेकिन प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके आए दिन उसमें घटना घटित होती रहती है। जी उमाकांत, इसके अलावा एक और बात यहाँ पर गौर फरमाने वाली है कि शौच के लिए बच्चों को बाहर क्यों जाना पड़ रहा है। एक तरफ तो प्रशासन दावे करता है कि हर घर शौच की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है, और ऐसे में अगर ये वाकया सामने आएगा तो क्या सवाल खड़े होंगे, आप खुद भी समझ सकते हैं, तो इस पर भी हमें जानकारी दें। हम आपको बता दें कि ये खोखले दावे भी किए जा रहे हैं कि हर घर में शौचालय दिया जाए, जब पैसों की बंदरबांट हो, हर ब्लॉकों में घोटाले ही घोटाले दिखाई दे, तो विकास कहाँ से हो सकता है। शौचालय के नाम पे 12,000 रुपया दिए जाते हैं, लेकिन उस प्रार्थी को मिलता है कि नहीं मिलता है ये कोई नहीं देखता है। कागज में तो कड़ाई हो जाती है कि शौचालय दिया गया, लेकिन अगर उस व्यक्ति को शौचालय मिला होता तो आज ये घटना नहीं घटित होती। जाहिर सी बात है मकान, तो क्या इस पूरे मामले के बाद में अब भी किसी की नींद खुली है या नहीं खुली है? क्या अब भी इस मामले को संज्ञान में लिया जा रहा है कि नहीं? प्रशासन मौके पर पहुंचकर इसको संज्ञान में ले रहा है और यह भी उसे ध्यान देने का कोशिश किया जा रहा है कि अब इतने कैसे लोग बचे हैं कि जिनके घर में शौचालय नहीं है, और अगर शौचालय नहीं है तो किन कारणों से नहीं है, उसकी भी जांच शुरू हो गई है। जी, और इसके अलावा अगर बात की जाए उस गड्ढे की जिसमें डूबकर 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है, उसका क्या हाल है उमाकांत? क्या अब भी इस पर कोई ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है कि इस गड्ढे को किस तरीके का कहना है कि जो भट्ठे वहाँ खोले गए थे उसमें से मिट्टी निकाल ली गई थी और उसके संबंध में उन्होंने मुकदमे भी कायम किए थे, हाईकोर्ट में अपील भी किए थे, लेकिन उसमें प्रशासन की नींद नहीं जगी जिसके वजह से यह घटना घटी। क्योंकि अगर उस गड्ढे को पाट दिया गया होता तो उसमें जल जमाव नहीं हुआ होता और जाने बच सकती थी। जी उमाकांत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता उमाकांत हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए थे, जिन्होंने विस्तार से हमें इस खबर पर जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से किए जा रहे सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। एक तरफ हम बुलंदी के साथ ये नारा सभी के सामने देते हैं कि हर घर शौच की सुविधा उपलब्ध है, हर घर शौच उपलब्ध है, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके के वाक्य सामने आना, ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक मरने वालों की संख्या
50 हो गई है, जिसकी पुष्टि नोडल अधिकारी और सीडीओ चर्चित गौड़ और सीएमओ दिनेश कुमार प्रेमी ने की। यहां लखनऊ से आई टीम ने सर्वे किया और डेंगू की चिंताजनक स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए चर्चा की। डीएम चंद्रविजय सिंह ने डेंगू ग्रसित क्षेत्रों में जाकर लोगों को डेंगू से बचाव और इलाज के बारे में जागरूक भी किया। आपको बता दें कि डेंगू के बढ़ने को लेकर लापरवाही बरतने के मामले में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य केंद्र सैलई डॉक्टर गिरीश श्रीवास्तव, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सौरभ प्रकाश और पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। दूसरी तरफ डेंगू से बचाव को लेकर जिले में फॉगिंग और साफ सफाई भी करवाई जा रही है। क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी भेजी गई हैं। जो मुझे WHO की टीम ने बताया है, उनका कहना यह है कि ये डेंगू हेमोरेजिक डेंगू है और बहुत खतरनाक टाइप का डेंगू है, और इसमें बच्चों की प्लेटलेट्स एकदम से अचानक से गिरती हैं और उनको ब्लीडिंग होती है, गम्स में ब्लीडिंग, इवन गम्स में भी ब्लीडिंग हो रही है। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का डेंगू है, लेकिन इसको रोकने के लिए यही है कि जन जन को जागरूक हम लोगों को करना है। उसी के लिए हम लोग आज पूरी टीम के साथ यहाँ पे हैं। कुछ मोहल्लों में मैंने सुबह, कुछ मोहल्लों में अभी हम लोगों ने इस चीज़ को शुरू किया है कि लोग खुद आगे बढ़ के अपने घर की गंदगी दूर करें, अपने घर में जो पानी जमा है जहाँ से मच्छर पैदा हो रहे हैं उस। यूपी के बिजनौर में जमीन के चंद टुकड़े के मालिकाना हक के लिए रिश्तों का कत्ल हो गया। यहां तीन सगे भाइयों ने अपने ही छोटे सगे भाइयों को लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला। पुलिस ने तीनों हत्यारे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया है। दरअसल अपने चार भाइयों में सबसे छोटा मृतक अमर सिंह मकान बनवा रहा था, जिसे लेकर गुस्साए भाइयों ने दिन दहाड़े लाठी डंडों से पीट कर अमर सिंह की निर्मम हत्या कर दी। सगे भाइयों के मध्य जमीन को लेकर के विवाद हुआ जो है, जो है उसमें एक अमर सिंह, उनके जो सबसे छोटे भाई थे चार भाइयों में, उनके दो बच्चे वहां पर अपना मकान बना रहे थे, दीवार खड़ी हो गई है, केवल छत लगना शेष था। इनके अन्य तीन भाई उसका विरोध कर रहे थे, आज उसी को लेकर के जो है झगड़ा हुआ, जिसमें अमर सिंह को जो है तीन बड़े भाई और उनके लड़कों ने जो है लाठी डंडों से मारा, धक्का दिया, जिससे उनको चोटें काफ़ी आईं और फिर उनको जो है वहाँ से अमर सिंह को उनके बच्चे और परिजन लेकर के प्राइवेट अस्पताल में गए दो जगह, वहाँ इलाज नहीं हुआ। इसके बाद फिर उसको सरकारी अस्पताल पे ले आए, जहाँ इनका दौरान इलाज जो है इनकी मृत्यु हो गई जो है। इसमें इनके द्वारा जो है तहरीर दी गई है, छः लोगों के विरुद्ध जो है, इसमें छः लोगों के विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत करके इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। यूपी के बाराबंकी में भाजपा मंडल अध्यक्ष पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। गरीब महिला को नौकरी का झांसा देकर मंडल अध्यक्ष त्रिवेदीगंज ने 1,75,000 रुपए हड़प लिए। विद्यालय में चपरासी की नौकरी दिलवाने के नाम पर पैसा लिया। नौकरी मिलने के लालच में महिला ने खेत और जेवरात गिरवी रखे। एक साल तक नौकरी न मिलने के बाद महिला ने पैसा वापस मांगा। पैसा मांगने पर भाजपा मंडल अध्यक्ष ने महिला से अभद्रता की। पीड़ित महिला ने भाजपा मंडल अध्यक्ष के खिलाफ न्याय की गुहार लगाई है। लोनी कटरा क्षेत्र के रुकनापुर गांव का ये पूरा मामला है। तो आपको बता दें कि नौकरी का झांसा देकर महिला से 1,75,000 रुपए लूट लिए गए। एक साल के बाद भी नौकरी न मिलने पर महिला ने अपना पैसा वापस मांगा।
और पैसा वापस मांगने पर महिला के साथ अभद्रता की गई, जिसके बाद महिला ने परेशान होकर मामला दर्ज करवाया है मंडल अध्यक्ष के खिलाफ। मुझे षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों के बहकावे से महिला द्वारा मेरे साथ गाली गलौज व मेरी कॉलर को घसीटा गया, जिसका वीडियो बनाकर वायरल किया गया। यह बहुत ही निंदनीय कार्य है और मैं संगठन से अनुरोध करता हूं कि साजिशकर्ता तथा महिला पर सख्त कार्रवाई की जाए तथा संगठन का कोई पदाधिकारी जलील न किया जाए। हमारा भाई समझो, हम तुम्हारे लड़का समान समझो, का तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सके। अगर पैसा ना नौकरी ना मिले तो जो पैसा लागे तुमका एक एक पाई हम लौटार दे। तो हम कहें अच्छा ठीक है, फिर कहें कि तुमको नहीं विश्वास है तो मुकेश भाई को हम लेकर जाएं वहाँ साहब के लगे मुलाकात करा लाएं। तो हम कहें भाई ठीक है भैया, तो इनका लेके गए वहाँ साहब के लगे मुलाकात करा लाएं। तो लौट कहाँ कहीं हम माँ सही है कहूँ तक कह रहे हैं, हमारे पास पैसा एक नहीं रहा। हमने क्या किया, जब हमको परेशान कहें कहीं चाची जिंदगी बन जाएगी लड़का की, तो हम कहें भैया ठीक है जिंदगी के लिए दुनिया मरत। हम भैया कहा कि ना एक पैसा हमारे पास नहीं रहा, हम एक खेत गिरहूँ रहा कर रख दी ना अपन जेवर बेच डालें और बेच के हम 1,70,000 रुपया हम जो है इकट्ठा की ना। जनपद बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र के बिलोल चौराहे का है, जिसमें एक महिला और त्रिवेदीगंज के भाजपा मंडल अध्यक्ष उत्तम वर्मा के मध्य विवाद होने का है, जिसमें दोनों के मध्य गाली गलौज मारपीट आदि की घटना घटित हुई थी। दोनों पक्षों ने थाना लोनी कटरा पर तहरीर दे दी है। महिला का कहना है कि उत्तम वर्मा ने उसके बेटे को नौकरी दिलाने के नाम पे 1,75,000 रुपए इससे 2 साल पहले लिए थे और काफी कहने सुनने के बाद भी अब तक पैसा वापस के लखीमपुर खीरी में मंदिर की जमीन पर कब्जा करने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। ऐसे में समुदाय विशेष के व्यक्ति पर मंदिर की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने SDM को ज्ञापन सौंपा, साथ ही आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ये पूरा मामला निघासन कोतवाली के लुधौरी ग्राम पंचायत का बताया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। यूपी के रामपुर में एक विवाहिता ने पति की प्रताड़ना और तलाक से गुस्सा होकर जहरीला पदार्थ खा लिया। ऐसे में विवाहिता की तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। यूपी के हमीरपुर में दबंगों का आतंक, पूर्व प्रधान के घर के बाहर हुई कई राउंड फायरिंग की घटना से क्षेत्र में दहशत। दबंगों ने पूर्व प्रधान पर बरसाई गोलियां। घटना पर सूचना पाकर पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, पूर्व प्रधान के घर के बाहर कई राउंड फायर हुए। फायरिंग की घटना से पूरे इलाके में दहशत पसरी हुई है। आपको बता दें कि दबंगों ने पूर्व प्रधान पर जमकर गोलियां बरसाई। यूपी के फतेहपुर में चोरों का तांडव, गारमेंट की दुकान से लाखों रुपए की चोरी, दो दुकानों में चोरी की बड़ी वारदात, दुकान से लगभग 7 लाख का माल और 15,000 की नकदी साफ। चोरी की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। खागा थाना क्षेत्र के सुजानीपुर मोड़ की यह घटना। बड़ी खबर इस वक्त की, दो दुकानों में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया और लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर लिया गया। यूपी के रायबरेली के बचरावा पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। ये चारों चोर उन्नाव के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन शातिरों के पास से एक तमंचा, जिंदा कारतूस, लैपटॉप और 6,000 नगद समेत एक बाइक बरामद की। जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि चारों शातिर के ऊपर बछरवा से लेकर उन्नाव थाने में कई धाराओं में मामले दर्ज हैं, जिसका पूछताछ कर खुलासा जल्द किया जाएगा।
यूपी के बाराबंकी में पुलिस ने दो शातिर मार्फिन तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही तस्करों के कब्जे से 300 ग्राम अवैध मार्फिन बरामद किया गया है। यही नहीं, शातिरों ने पकड़ से बचने के लिए पुलिस का लोगो लगी हुई जीप इस्तेमाल करते थे जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस की दी गई जानकारी के हिसाब से एसपी जमुना प्रसाद के निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मसौली पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की। तो वहीं पूछताछ में तस्करों ने बताया कि जैतपुर क्षेत्र से मार्फिन खरीदकर लखनऊ सहित आसपास के जिलों में छोटी छोटी मात्रा में मार्फिन बेचा करते हैं। लखनऊ में माहवारी स्वच्छता प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरोजनी नगर ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम का मंत्री स्वाति सिंह ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री ने सैनिटरी शीट का उद्घाटन किया और मौजूदा महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही आपको बता दें कि अस्तित्व एक पहचान परियोजना के अंतर्गत 4000 किशोरियों और महिलाओं को माहवारी स्वास्थ्य स्वच्छता एवं प्रबंधन के बारे में जागरूक किया जा रहा है। आज सरोजनी नगर ब्लॉक में मैं आई हूं और यहां पर हम लोग टाटा ट्रस्ट के माध्यम से और समूह की मेरी महिलाएं हैं जो सरोजनी नगर क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनका ट्रेनिंग मैं टाटा ट्रस्ट के माध्यम से करा रही हूँ, जिसमें सैनिटरी नैपकिन कॉटन के कपड़े का सैनिटरी नैपकिन बन रहा है, क्योंकि किसी भी महिला के लिए बहुत आवश्यक है कि वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, अपनी स्वच्छता का ध्यान रखे। जब इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जब स्वच्छ भारत अभियान को चलाते हैं तो स्वच्छता में मुझे लगता है कि सर्वप्रथम महिलाएँ ही आती हैं, क्योंकि भारतवर्ष में ये माना जाता है कि हमारे घर की धुरी होती है महिला। तो जब महिला घर की धुरी होती है तो उसको शुरुआत अपने आप से करनी चाहिए और ये आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया है। कोटा सरस डेयरी के पूर्व एमडी की गिरफ्तारी का मामला कोटा ग्रामीण एसीबी की टीम ने किया गिरफ्तार। चित्रांशु एंटरप्राइजेस फर्म के साथ की थी मिलीभगत। इस दौरान श्याम बाबू ने डेयरी को लगाई थी चपत। कोटा ग्रामीण एसीबी जुटी है पूछताछ में। कोटा एसीबी कोर्ट में किया जाएगा पेश। जांच में पूर्व एमडी पर आरोप पाए गए थे प्रमाणित। ग्रामीण एएसपी प्रेरणा शेखावत की कार्रवाई। श्याम बाबू थे कोटा डेयरी के पूर्व एमडी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।